हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर संबंधित है और आज की वीडियो में जितने भी हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन है 25 जुलाई के, वो क्या करेंगे इस वीडियो माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी हमारे न्यू विजिटर जो हमारे चैनल पहले बार विजिट कर रही हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हाँ, भी वीडियो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसके ऊपर क्लिक करके साथ में बेल आइकॉन है उस पर क्या कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे जितने भी करंट अफेयर संबंधित वीडियो उनके अपडेट उनको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज का पहला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में किस राज्य किसानों के बैंक खाते में डिजिटल अनुदान का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो जो बिहार के राज्य है ना, उन्होंने क्या है ऐसा किया है, वे क्या करेंगे, वो डिजिटल का डायरेक्ट पैसा किया जाएगा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने क्या किया है, जो किसान है वो जो डिजिटल का जो इतना भी अनुदान होगा एक मतलब ऑनलाइन उनके क्या जाए खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर का जो पैसा है ये किन को बेनिफिट मिलेगा? ये उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो रजिस्टर्ड किसान बैंक खाते हैं ना, उनको क्या मिलेगा, ये पैसा मिल जाएगा। और अभी यह केवल 1100 किसानों को ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हाल ही में बॉर्डर होट्स पर बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो जो ये पहली बैठक है वो कहाँ हुई है? तो ये बैठक हुई है जो त्रिपुरा के अगरतला में क्या हुई है बैठक सम्पन्न हुई है। और यह कितने दिन बैठक चली है? तो 2 दिवसीय बैठक थी। और इस दौरान जितने भी दोनों पक्षों के जो जो हेड्स है, जो जितने भी आसपास के इलाके हैं उनको क्या गया है, जितने भी आजीविका के लिए क्या उनके लिए क्या किया जाएंगे, सकारात्मक किया जाएंगे प्रभाव से ध्यान दिया जाएगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जो बांग्लादेश के पीएम है वो कौन है? तो वो है शेख हसीना जी। जो शेख हसीना है वो क्या है, बांग्लादेश की पीएम है। अगर हम राजधानी की बात करें बांग्लादेश की, तो वो क्या है, ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेशी जो टका है वो क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में किस महिला की पहली महिला है जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? ऐसी कौन सी पहली महिला है? तो उनका नाम है ताहिदा सफेदर। वे क्या है, पहली महिला है जिनकी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। अगर हमें बात की जाए तो कौन से उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति हुई है? तो जो बलूचिस्तान का जो उच्च न्यायालय उनमें क्या हुआ, इसकी नियुक्ति हुई है। और इनसे पहले इन्होंने क्या किया था, जो 1982 में जो बलूचिस्तान की उन्होंने क्या किया था, पहली महिला नागरिक न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या किया था, इतिहास रचा था। अगर हम पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन है? तो पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो वो है मियान साकिब निसार जी। क्या है, पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा देश के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रधानमंत्री ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उन्होंने ये किए हैं 8 समझौतों पर क्या किए, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। अगर इन 8 समझौतों की बात की जाए तो रक्षा, व्यापार, कृषि, चमड़ा और संबंध उत्पाद, डेयरी उत्पाद क्षेत्रों में क्या किए, ये समझौते हुए हैं। और हम अफ्रीका के जो मतलब प्रधानमंत्री है हमारे, 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं, उनके जो पहला चरण है वो कौन से देश में हुआ है? तो ये पहला चरण हुआ है रवांडा के, और ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो रवांडा गए हैं। अगर हम वहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो वो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति है पाल कागाम्बे, क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति है। और जो भारत सरकार ने क्या किया है, जो प्रधानमंत्री पीएम ने उनको किया गया है $20 करोड़ का भी किया गया है अनुदान दिया है। और साथ में भारतीय दूतावास भी क्या खोला जाएगा, रवांडा में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, डूबत ऋण के त्वरित निपटान के लिए बैंकों वित्तीय संस्थानों ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक ने ICA समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किए, यानी कि अंतर ऋणदाता समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है, परियोजना है, एक सशक्त का क्या है, हिस्सा है। ये जो है
फ्रेमवर्क सशक्त का क्या है, ये कि हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा, भारत का तेल आपूर्ति करने के मामले में सऊदी अरब को पछाड़कर कौन सा देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो ऐसा कौन सा देश दूसरे नंबर पहुंच गया है, तो ईरान के कौन से नंबर पहुंच गया, दूसरे नंबर पर पहुंच गया है सऊदी अरब को पछाड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है। तो यह जो जूनियर स्क्वैश कहाँ हुई है, तो यह हुई है चेन्नई में, जो कि कब से कब तक खेली जाएगी, तो यह 18 जुलाई से 29 जुलाई के बीच क्या की जाएगी, खेली जाएगी, कहाँ खेली जाएगी, चेन्नई में खेली जाएगी। और इसमें यदि कुल देशों की बात की जाए, तो कुल देश कितने हैं इसमें, तो कुल 24 देश है इसमें, कंट्री है इसमें, क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनको टोटल कितने, 8 विभाग में सब में विभाजित किया गया है। और भारत को कौन से ग्रुप में रखा गया है, तो भारत को ई ग्रुप में रखा गया है। उनके ग्रुप में कौन कौन है, तो उनके ग्रुप में है भारत तो है ही जन, और क्या है, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड, यानी तीन देश ये क्या है, ये ग्रुप ई में रखे गए हैं। और भारत की इसमें बात वीरता की बात की जाए, तो कौन सी वीरता है भारत की इसमें, तो पांचवी क्या है, वरीयता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, जर्मनी के हेमिंग ट्रैक पर आयोजित जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 किसने जीती है। तो यह जो प्रतियोगिता है, यह किसने जीती है, तो यह जीती है लुइस हैमिल्टन ने, क्या जीती है यह प्रतियोगिता, जीती है रेसिंग वाली। इस लगातार सेकंड और थर्ड पे कौन है, तो जो सेकंड पे थे वो थे बोल्टरी, और जो थर्ड पोजीशन पे थे वो थे किमी रायकोनन, को थे थर्ड पोजीशन पे आए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जिलों में सहयोग के लिए किस फाउंडेशन के साथ वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस फाउंडेशन के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने किए हैं, जो हस्ताक्षर किए वो है ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ किए हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और जो इन जिलों की महत्वाकांक्षी, जो किन क्षेत्रों में किया जाएगा, तो इनको जो शिक्षा है, स्वास्थ्य और जो पोषण है, वित्तीय समावेशन है और कौशल है, कृषि और जल संसाधन है, या बुनियादी ढांचे हैं, इन विभिन्न प्रकार के उन जिलों में क्या किया जाएगा, उनके क्या किया जाएगा, उनको बुनियादी रूप से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और दूसरा, जो ये लुपिन फाउंडेशन है, इसमें जो नीति आयोग के जो समझौता किया है, इसमें किन स्टेट के जो जिलों को इंक्लूड किया जाएगा, तो इसमें जो एमपी के प्लस में महाराष्ट्र के और प्लस में राजस्थान के क्या की जाएगी, इसमें जिले के जो इंक्लूड किए जाएंगे, इन तीन स्टेटों के क्या जिले इंक्लूड किए जाएंगे। अगर हम नीति आयोग की बात करें, तो जो नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति से जो फुल फॉर्म है, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फोर टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इनके उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और यदि सीईओ की बात करें, तो अमिताभ कांत क्या है, वहाँ के सीईओ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक जमा राशि को घटाकर कितना कर दिया गया है। तो यह राशि कितना कर दिया गया है, तो यह राशि को 250 कर दिया गया, कितने से घटाकर, 1000 से घटाकर कितना कर दिया है, इन्होंने 250 रुपये कर दिए हैं। ये इसका जो कम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार का, तो सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को, जितने भी गर्ल्स चाइल्ड है, उनके सेविंग योजना का लाभ उठाने का क्या है, सक्षम करने सरकार का क्या है, इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए 25 जुलाई के, तो ये आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में आज जो करंट क्विज का क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे थे, जो आज के जो करंट का क्विज क्वेश्चन है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो आज करंट क्विज है वो है, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथ में जितने भी हमारे न्यू विजिटर है, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और करंट अफेयर संबंधी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वो क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर क्या कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले करंट अफेयर संबंधी वीडियो के उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिलेंगे आपको, यहाँ से आप क्लिक करके दोनों को ज्वाइन
कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।